हेलो एवरीवन, सेवन स्टार किचन पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश नारियल की बर्फ़ी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत आसानी से बन जाती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं, फ्रेश कोकोनट की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें चाहिए होगा फ्रेश नारियल का बुरादा 2 कप, दूध 5 चम्मच या फिर 1/4 कप प्लस 1 चम्मच, चीनी 1 कप, कुटी इलायची 4 से 5, घी 1 चम्मच। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रे या प्लेट को ग्रीस करके रख लेंगे, जिसमें कि हमें बर्फ़ी को जमाना है। मैंने यहाँ पे बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास भी बटर पेपर है तो आप भी उसका इस्तेमाल करें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 5 चम्मच दूध डाल देंगे। फ्लेम को अभी हमने मीडियम रखा हुआ है। दो कप फ्रेश नारियल का बुरादा डाल देंगे। मैंने यहाँ पे जो फ्रेश नारियल का बुरादा यूज़ किया है, इसमें जो पहले मैंने नारियल लिया था उसकी जो कवरिंग होती है ब्राउन कलर की, उसको हटा दिया था कद्दूकस से, और उसके बाद मैंने नारियल को कद्दूकस कर लिया है। और अब हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी का अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा घटा या बढ़ा सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। और अभी जो नारियल है वह थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, ये थोड़ा गीला होगा और उसके बाद ये हल्का सूखा होगा। इसे हमें हल्का सूखा होने तक मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। इस प्रोसेस में इसे लगभग 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। अभी जब तक हम नारियल को मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं और ये गीला है, इसे हमें ज़्यादा हिलाना नहीं है। पाँच से छः मिनट हो चुका है, ये जो नारियल है हल्का सा सूखा हो गया है। अब हम इसमें 4 से 5 कुटी हुई इलायची डाल देंगे। इलायची को हम नारियल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब हमें फ्लेम को लो और मीडियम पे रखना है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप लो कर लें, और अगर लगे कि आप मीडियम रख सकते हैं तो मीडियम कर लें। इस मिक्सर को अब हमें लगातार घुमाते हुए पकाना है, जब तक कि ये मिक्सर हल्का गाढ़ा ना हो जाए। अगर आप इस मिक्सर को अब लगातार नहीं घुमाएंगे तो ये जल सकता है। हमें इस मिक्सर को घुमाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हुआ है और ये लगभग थिक हो चुका है या गाढ़ा हो चुका है, मींस इसको अब हम आसानी से जमा सकते हैं। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे, मींस फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ये मिक्सर को एक ट्रे में निकाल लेंगे। आप कढ़ाई से तुरंत ही मिक्सर को प्लेट में निकालें। अगर आप कढ़ाई में ही मिक्सर को छोड़ देंगे तो वह कढ़ाई की गर्मी से जल सकता है। हमने जो हमारी प्लेट थी उसको ऑलरेडी ग्रीस कर रखा था, और अब हम इस मिक्सर को इसमें फैला लें। इसे अच्छे से फैलाकर हम एकदम स्मूथ कर लेंगे। अब इस मिक्सर को हम ठंडा होने के लिए, मीन्स जमने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसके पीसीस काटेंगे। अब जो ये कोकोनट बर्फी है ये जम चुकी है, अब हम इसके पीसीस काट लेंगे। देखिए कोकोनट बर्फी कितनी अच्छी बनी है। ये कोकोनट बर्फी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, सो आप इसे अपने घर में ट्राई ज़रूर करें। सो एवरीवन, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।